अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर आपने दुबई में आना है तो आपने जॉब स्कैमिंग से कैसे बचना है। मैं यहाँ पर आया, मुझे आए हुए यहाँ पर 2 महीने हो गए हैं और मेरा यहाँ पर जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो कुछ एक दो स्कैम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपने बचना कैसे स्कैम से। तो पहले हम बात करते हैं कि स्कैम से आपने बचना कैसे है। स्कैम से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपको जॉब ऑफर कर रहा है आपने उससे 2 से 3 दिन के अंदर अपना जॉब ऑफर लेटर लेना है जो कि गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पर अभी मैं आपके साथ जो है वो पिक्चर शेयर करता हूँ उसकी कि वो कैसा होता है। ये पिक्चर आप देखिए, इसके ऊपर जो है वो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है और इसकी एक फ़ीस होती है जो कंपनी को पे करनी होती है, वो तकरीबन 250-300 दिरहम है। तो जब कंपनी इसको पे कर देती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो इट्स मीन कि आपके वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जॉब ऑफर लेटर लेना आपने। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्कैम्स हो किस तरह रहे हैं। यहाँ पर स्कैम इस तरह से हो रहे हैं कि कंपनी आपको जॉब पे रख लेती है और आपको कहती है कि भाई आपने टारगेट पूरा करना है या आपने ये काम करना है या आपने वो काम करना है, वो आप करेंगे। काम पूरा नहीं कर पाते तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर भी नहीं देंगे, आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी कंपनियों के पास वीज़ा होता ही नहीं है जो आपको वीज़ा दे नहीं रहे होते। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने उस कंपनी को 2 से 3 दिन में लीव कर देना, इससे ज़्यादा टाइम आपने उस कंपनी को नहीं देना। तीसरे नंबर पर जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वो आपको कहती हैं कि हम आपसे पैसे लेंगे और हम आपको जो है वो जॉब लगवा देंगे, और वो जॉब लगवा भी देते हैं। वो आपसे 200-300 दिन हम लेते हैं, वो आपको जॉब लगवा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनका नेटवर्क होता है उन जॉब्स वालों के साथ। वो क्या करते हैं, आपको जॉब पर भेजते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है नकली, नॉट द रियल जॉब ऑफर लेटर जो गवर्नमेंट का होता है, वो नकली ऑफर लेटर आपको दे देते हैं, आपसे इतना ज़्यादा काम लेते हैं, आप 2 दिनों में भाग जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी कंपनी जिसने आपको वहाँ पर भेजा है, आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो मुझे तो जॉब नहीं मिली, आपको जॉब मिल गई थी, आप खुद नहीं जा रहे और आप वहाँ जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर काम इतना ज़्यादा आपसे हार्ड लेंगे कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते। तो आपने इन चीज़ों से बचना है और अगर आप दुबई आ रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और किसी को भी अपना टाइम और पैसा ज़ाया नहीं करने देना।